भारतीय रिजर्व बैंक ने तिमाही मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। CRR रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती नहीं की गई है। ऐलान के बाद सेंसेक्स 150 से ज्यादा अंक नीचे गिर गया। रिटेन द ऑल क्रूशियल रेट्स इंक्लूडिंग CRR रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एज इट वाज। परहैप्स द इन्फ्लेशन फिगर्स WPI inflation which is in the month of May, which was 7.56, little more than 7.33, and there has been some marginal increase in CPI also, which might have weighed their decision making. मिडडे टर्म्स क्रेडिट पॉलिसी के तहत RBI ने रेपो रेट और CRR में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में RBI के फैसले के बाद रेपो रेट 8% और रिवर्स रेपो रेट 7% पर कायम है। वहीं CRR में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 4.75% पर कायम है। इससे पहले मार्च 2010 से 2011 की आखिरी तिमाही तक 20 माह के लंबे दौर में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर में कुल मिलाकर 3.50% की वृद्धि की है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो दिल्ली।